हाय स्टूडेंट, जैसे कि स्टैंडर्ड 10th और स्टैंडर्ड 12th के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको मास प्रमोशन मिल चुका है, पर जो रिपीटर स्टूडेंट हैं, नियरली रिपीटर स्टूडेंट आप देख सकते हो नियरली कितने हैं, 4.91 लाख है। जो स्टैंडर्ड 10th में 3.62 लाख है, और स्टैंडर्ड 12th साइंस में 32,400, और स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स में 97,000 स्टूडेंट है। नियरली 4.91 लाख स्टूडेंट है। उनकी क्या डिमांड है कि जैसे कि रेगुलर स्टूडेंट को मास प्रमोशन मिला है, ऐसे ही हमें भी मास प्रमोशन मिलना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट आप देख सकते हो, ये स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं विरोध करने गए थे। कहाँ पे? अहमदाबाद की कलेक्टर की ऑफिस में, कलेक्टर की ऑफिस में गए थे। उन्होंने ये डिमांड की थी कि हमारे भी एग्ज़ाम जो हैं नहीं होने चाहिए, हमें भी मास प्रमोशन मिलना चाहिए। क्या हम स्टूडेंट नहीं हैं? क्या हमें कोरोना नहीं हो सकता है? अगर जो आप हमें प्रमोशन नहीं दे रहे हैं तो इट्स ओके, पर हमारे एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होने चाहिए, क्योंकि हमें भी कोरोना हो सकती है। उनकी ये डिमांड है और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। आपकी क्या राय है? क्या इनके मीन्स एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पर गवर्नमेंट ने डिसीजन, और इनके जो एग्ज़ाम थे 1 जुलाई से होने वाले थे, पर अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है। आप देख सकते हो गुजरात गवर्नमेंट ने भाई धोरण 10 अने धोरण 12 ना रिपीटर विद्यार्थियों की परीक्षा 15 जुलाई थी योजाशे। मतलब जो रिपीटर स्टूडेंट है, जो स्टैंडर्ड 10th और स्टैंडर्ड 12th में है, उनके जो एग्ज़ाम है 15 जुलाई से होंगी, और वो भी ऑफलाइन। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, और उसके लिए आप देख सकते हो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि उनका जो भी टाइम टेबल होगा, उनका जो भी कार्यक्रम होगा, आप देख सकते हो परीक्षानो विगतवार कार्यक्रम टूंक समय में जाहिर करवामा आवशे। मतलब उनका जो भी टाइम टेबल होगा, उनका जो भी मतलब कार्यक्रम होगा, प्रोग्राम होगा, वो टोटली जल्दी ही जाहिर करेंगे। तो जैसे ही जाहिर करेंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, बरोबर ना? तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। हम इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है और एजुकेशन से जो भी वीडियो होते हैं हम अपलोड करते रहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। एंड अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।